गल एक होर पंजाब दे भगदे मसले की करते हैं, खेती कानूनों के खिलाफ किसानी अंदोलन। जी हाँ, तो किसानी हकों लगातार संघर्ष कर रही श्रोमणी अकाली दल की एक होर पहल सामने आई है। राष्ट्रपति तक पहुँच करने तो बाद हुण साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने स्पीकर नूं भी एक पत्र लिखा। दरअसल पत्र जुड़िया होया खेतीबाड़ी मंत्री तोमर के बयान के नाल। इस बयान की तह तक जाने लई JPC बनाए जाने की मांग की है। कहा कि विरोधी पार्टियों चो किसी सांसद की अगवाई में JPC बना के तथ्यों की जांच की जाए। तुहानू याद करा दी कि तोमर ने संसद में किसानी अंदोलन दौरान किसी भी किसान के मारे जाण दा कोई रिकॉर्ड ना होने का बयान दिता सी। इसे बयान के खिलाफ यह पत्र लिखा गया। तोमर ने बयान के राही देश में भी गुमराह किया, अन्नदाता का भी अपमान किया। यह कहना हरसिमरत कौर बादल का स्पीकर नूं लिखे पत्र से बसपा NCP RLP CPI CPM सने 8 पार्टियां दे सांसदां ने दस्तखत किए। हरसिमरत कौर बादल ने TMC DMK ते कांग्रेस नूं भी साथ देने की अपील की। हालांकि कांग्रेस के नाल कई मुद्दों से वख-वख राय हो सकती है, पर क्योंकि खेती कानूनों का मुद्दा सीधा पंजाब दे नाल जुड़िया, इस करके साथ की मांग कांग्रेस तो भी की गई है। संसद में खेती कानूनों के मुद्दे से सरकार वालों चर्चा ना करन देन दे मुद्दे से भी अकाली दल सने 7 पार्टियां ने राष्ट्रपति तो भी समा मंगे ते स्पीकर नूं भी ये पत्र लिखे कि एक JPC बनाई जाए। इस गल विच कितनी सच्चाई है जो सरकार कहती है, खेतीबाड़ी मंत्री कहते हैं कि कोई भी किसान इस अंदोलन के दौरान जिहड़ा पिछले 8 महीनों तो वधदा दिल्ली दी सरहदां ते चल रहा है, जिथे पार्लीमेंट है, देश की राजधानी है, उत्थे कोई भी किसान मरिया नहीं, किसी भी किसान की मौत नहीं हुई। इस करके JPC बनाई जाए, तत्थां की जांच की जाए, किसानों नाल गलबात की जाए, ताकि सच्चाई जिहड़ी उह देश दे सामने आए, क्योंकि देश नूं केंद्र सरकार गुमराह करन दा, तोमर गुमराह करन दा काम कर रहा है। संसद का सत्र चल रहा है तो लगातार उत्थे हंगामा जारी है किसानों के मुद्दे से। मेरे नाल इस वेले हरसिमरत कौर बादल ने उन्होंने गल करदे आ। मैम, लगातार तुसी लोग आवाज चुक रहे हो, अज भी असीं देख रहे सी खूब हंगामा अंदर चल रहा है, सरकार गल नहीं सुन रही। मैं तो 8 दिनों तो लगातार असी एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं कि तुसी ना सानू पिछले बजट सैशन से गल करन दित्ती, ना किसानों की गल हुण चक्कन वास्ते दे रहे हो। असी तो डट के किसानों के नाल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन तुसी अफसोस की गल बाकी जिन्नियां पार्टियां ने वो सारे मुद्दा भटका के दूजे मुद्दे मगर लग गए। अफसोस मैनू इस गल का कि साडे अपने पंजाब के जिहड़े MPs ने वो अपनी ही सब तो वड्डी पार्टी 50-55 उन्होंने हैगे MPs, उन्होंने नहीं इकट्ठे कर सक रहे किसानों के मगर। लेकिन असी हर पक्षों लगे हैं, भावें कल्ली आवाज़ अपनी हैगी, दो बंदे अपा हैगे, लेकिन सदन के अंदर सदन के बाहर BSP के नाल अपनी सहयोगी पार्टी के नाल असी मुद्दा चुक रहे हैं। तुसी देखिया कि परसों आपा 7 होर पार्टियां नूं रल मिल के आपा राष्ट्रपति जी नूं समय मंगया कि आ जिहड़े सब तो लोगों के मुद्दे सानू उठाए नहीं, उठाने नूं मौका नहीं मिल रहा। अज मैं एक होर पत्र स्पीकर साहब नूं मैं लिख रही हाँ, जिहड़ा मैं सारी पार्टियां नूं, अज तो मैं कांग्रेस नूं, TMC नूं, जिन्नी वड्डियां पार्टियां सारियां नूं मैं अपील करता कि जिहड़ा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जवाब दिता हैगा पार्लीमेंट के अंदर कि इन्हां कानूनों करके संघर्ष करके किसी किसान की मौत नहीं हो, मेरे अपने हल्के च सैकड़ों मौतां हो गया ने, क्यों नहीं ये सारी पार्टियां मांग करन कि एक जॉइंट पार्लीमेंटरी कमेटी बनाई जाए जिदा हैड एक ऑपोजिशन मैंबर करे कि आ जिहड़ा उन्होंने दिता हैगा कि कोई मरिया नहीं हैगा, कि किन्ने बंदियां ने अपनी जाना कुर्बान कर दित्तियां ने। ये मैं हरेक पार्टी तो मैं साइन करा के अज मैं अखीर से मैं कांग्रेस पार्टी वालों भी अपील की, तृणमूल ने भी की, DMK ने भी की। मैं क्या सी पार्टीबाजी तो उपर उठी है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं थोड़े मगर लगन नूं तैयार हाँ, लेकिन ये JPC बने तो जिहड़े शहीद होए ने उन्हां दा शहादत दा मुल पवे। आपां राष्ट्रपति दे कोल जे उन्होंने सानू टाइम दिता, तुसीं साडे नाल चलो, सारा विपक्ष कट्ठे होकर जाऊगा, देश च एक सुनेहा जाऊगा कि यह सरकार बोल कुछ रही है। तो अज आपां देखा कि यह संविधान की धज्जियां उड़ाना कल्ले अन्नदाता ते हिंदुस्तान का अपमान नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हैगा। तुसी उन्हां नूं कॉन्स्टिट्यूशन नूं तुसी नमन करके ड्रामा फोटो आप तां सीमित नहीं रख सकते। जब तुसी संसद के अंदर तुसी इस तरह पूरे विपक्ष का मूँह दबा रहे हो, वो मूँह बंद कर रहे हो, किसानों की तुसी आवाज़ कुचल रहे हो, लोगों की कुचल रहे हो, तो हुण संविधान नूं भी तुसी कुचल दोगे। जो सरकार कहती है साडे को डेटा नहीं, सानू जानकारी नहीं किन्ने लोग मरे ने, क्योंकि जे भी कोई मौत हो रही है तो पोस्टमार्टम हो रहा है, तुहानूं लगता नहीं ये अपने आप च एक हासोहीणी गल है? ये हासोहीणी नहीं, इस तों वड्डी दुखद गल की है कि ये सरकार उन्हां किसानां नूं अपना समझदी ही नहीं, अन्नदाता नूं इन्हां ने अनगौला ही नहीं किया, अनाथ कर दिता हैगा।
तो कहती असी पता भी नहीं कराना चाहते भी थानू जो अन्नदाता की परवाह नहीं है सानू हैगी साढ़े बंदे है साढ़े भैन भरा है जेडे इस मौसम से 8 महीने तो संघर्ष कर रहे हैं इन्हों तो लोगों का दर्द ही रह गया मतलब दर्द नाम की कोई गल ही नहीं रही अज सारी पार्टियां इस गल का दुख मना रही है तो अकाली दल अगे होके जिमें मैं थोड़ा दसिया कि अज मैं क्या छोड़ो अब की पैना कि कौन पार्टी साढ़े नाल तुरदी रही मैं आप जाके सारियां मैं अपील की कि असी थोड़े मगर लगन नू तैयार हाँ लेकिन जिहड़े शहीद होए ने उन्हां दी शहादत कितें दर्ज तो होए राष्ट्रपति दे नाल असी थोड़े पिछे चलांगे तुसी अगे होके चलो चलो जाके देश नू दसीए कि इत्थे हो की रहा हैगा किवें बाबा साहब अंबेडकर दे नाल किसानां दे नाल गरीबां दे नाल ये सरकार किस हद तक आ गई है। तुसी लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हो चाहे संसद दे अंदर या बाहर कल भी तुसी जो खड़े सी प्लैक कार्ड लैके नरेंद्र सिंह तोमर क्रॉस करते हैं तुसी उन्होंने क्या कि इस पर गल करो इस पर चर्चा करवाओ कहते हैं कि रिपील छड़ के आके गल करो असी चर्चा करने तैयार हाँ। देखो सरकार तो बेशर्मी से उतर आई है ये बिल्कुल अपने नंबरों के बल से इन्हों कोई परवाह नहीं है इन्हों पता है साढ़े को बल बूता है नंबर है एजेंसियां है अजे भी कई चीज़ा पार्लियामेंट से पता लगता है फोन कर करके किवें लोगों डराया धमकाया जा रहा है सानू भी करते होंगे करन की कोशिश करेंगे लेकिन ना साढ़े किसानों परवाह तो ना श्रोमणी अकाली दल नू परवाह बल्कि करेंगे असं होर तकड़े होकर होर पावांगे सो दूजी पार्टियां से तो मैं पता लग रहा है कि किस तरह ये हर तरह का तंत्र अपना रहे हैं ये देश हुण एक डेमोक्रेसी नहीं रही ये डेमोक्रेसी कल्ले ना चे रह गए हुण समा हैगा जे लोग खड़े नहीं हो जाएंगे तो फिर चीन तो साढ़े कोई फर्क ही नहीं रह जाना जिमें उत्थे लोगों को कुचला जाया दबाया जाता उ कुछ इतने शुरू हो गया है संघर्ष लगातार जारी रहेगा जिन्हें चर इंसाफ नहीं मिलता बिल्कुल जारी रहेगा असी पिछे हटन वाले ही नहीं है ना साढ़े किसान हटन तो ना असी हटे तो ना ही मैं कोई ड्रामा करना चाहती हाँ ये ड्रामा करने पार्लियामेंट के अंदर फोटो खिचा के असी रात गुजारे ये ड्रामे इन्हों मुबारक होन असी दिलों लड़ रहे हैं दिलों क्योंकि साडा पंजाब है साड़ी कोई हाईकमांड इत्थे दिल्ली नहीं बैठी है जेडे साडे डोरियां खिंचदी है कि अज तुसी जासूस कांड चकरा किसान दा चकरा बंद कर दिओ साडे कोई इत्थे किसे दे हाथ च साडी लगाम नहीं हैगी साडी लगाम लोकां दे पंजाब दे लोकां दे हाथ विच असी उहनां दे मुद्दे चकांगे बहुत बहुत धन्यवाद इस हन साडे नाल हरसिमरत कौर बादल कैमरामैन प्रदीप राणा दे नाल हरप्रीत सिंह पीडीसी न्यूज़ दिल्ली।